हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैलीग्राफी। और ये भी हमारी जो पहली क्लास थी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस थी, ये भी हमारी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होगी। लेकिन ये हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो पहले जो प्रैक्टिस थी वो इस पेन से, टिप पॉइंट पेन से थी, ये निब से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टू टाइप्स हमारी पेन होती है, टिप पॉइंट और बोल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। तो ये पहले हमने इस वाले पेन से प्रैक्टिस करी, पॉइंटेड पेन से। अब ये बोल्ड पेन से हम निब से प्रैक्टिस करेंगे, बोल्ड स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा इंक लेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राफ में, ये पूरा एक ब्लॉक है, उसमें ये बनाया हुआ है स्ट्रोक। मैं पेपर थोड़ा टेढ़ा कर लेती हूँ जिससे तुमको सही से दिखाई दे। तो इस तरीके से हमको इसको स्ट्रेट प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ कुछ स्ट्रोक्स बनाए हुए हैं, तो इसको इस तरीके से निब को डिप करके और फिर पेन को इंक से इस तरीके से स्लाइड करेंगे और ये इस तरीके से स्ट्रोक बनाना है हमें। तो ये इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये आगे बने हुए हैं। ये आपको ब्लॉक में बनाना है, ये अप से डाउन लेकर आएंगे इस स्ट्रोक को इस तरीके से। आपको आगे तक किसी पैटर्न में इसको प्रैक्टिस करनी है। एंड जब आप इसको स्टार्टिंग वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पर फिनिश करेंगे, और कोशिश करनी है जो उसकी स्टार्टिंग रहे वो एकदम इस तरीके से कटिंग में रहे और ये इस तरीके से। अब ये थोड़े बड़े स्ट्रोक्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ब्लॉक हम, ये छोटे वाले हम थ्री ब्लॉक यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर वाला स्ट्रोक हमने बनाया, इसी तरीके से सेम इसको हम बनाएंगे और पेन को यहाँ छोड़कर हटा देंगे। इसको डिप करेंगे इंक में इस तरीके से, कंटिन्यू हम ऐसे ही इक्वल नॉर्मल प्रेशर से इस तरीके से इसको बनाएंगे। और जहाँ पर इंक थोड़ा कम लगती है उसको फिर से डिप करेंगे। इंक की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है, ज़्यादा डिप नहीं करना है और ज़्यादा कम भी नहीं यूज़ करना है इंक को। इस तरीके से पैटर्न की स्ट्रोक्स के हम इस पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम ये स्लैंटेड थोड़ा सा स्ट्रोक हम बनाएंगे। तो इसमें निब को हम, ये इस ब्लॉक में पूरा, ये पूरा एक ब्लॉक है, कहीं से भी नॉर्मली इसको स्टार्ट कर दो आप। फिर जहाँ से स्टार्ट करो तो उससे नेक्स्ट ब्लॉक में सेम उसी डिस्टेंस से आपको इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ नॉर्मल एक ब्लॉक से स्टार्ट करा, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वहीं से मैं इसको दोबारा बनाऊँगी। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक को टेढ़ा कर देना इस तरीके से, सीधी लाइन नहीं बनानी है। पेन की निब को इस तरीके से होल्ड रखना है पेपर पे और इसको सीधा ना करके थोड़ा तिरछा, लेकिन जो निब रहेगी वो स्ट्रेट ही स्लाइड होगी, निब को टेढ़ा नहीं करना है। इस तरीके से निब को टेढ़ा नहीं करना है, निब को स्ट्रेट ही लेकर साइड में इस तरीके से लास्ट पॉइंट पर छोड़ देंगे। यहाँ पर छोड़ दिया, निब हटा दी। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर हम इसको स्लिपिंग स्ट्रोक्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो निब को यहाँ पर इस तरीके से नहीं रखना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है। तो देखो ये स्ट्रोक ऐसा आ जाएगा। इसमें हमें क्या रखना है, स्ट्रोक्स को बनाने के लिए ऐसा निब को टेढ़ा इस तरीके से रखना है और यहाँ से स्ट्रोक ऐसे सीधा आगे तक लेके जाएंगे और यहीं पर
छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप इस लाइन के एजेस थोड़े साइड में कटे हुए हैं ये इस तरीके से, और जो ये स्ट्रेट लाइन लिया है इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स कटे हुए हैं ऊपर से नीचे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमारा स्ट्रोक में होगा। अब सेकेंड स्ट्रोक हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, नेप को इस तरीके से रखना है पेपर पर और इसको आगे तक लेकर इस तरीके से छोड़ देना है। फिर से आप पास से देखेंगे ये थोड़ा साइड से कट है, यहाँ पर स्ट्रेट आ रहा है, तो ये ध्यान हमें रखना है स्ट्रोक में। डायरेक्शन निब की हमें नोटिस करनी है, कहाँ डायरेक्शन है निब की। तो अब ये छोटा स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे छोटे ब्लॉक में, तो यहाँ पर निब इस तरीके से रखेंगे, सीधा निब नहीं रखना है, इस तरीके से साइड में निब रखेंगे और इसको आगे तक लेकर जाएंगे और निब को छोड़ देना है। फिर इसके नीचे ही सेम ऐसा पैटर्न बनाएंगे, जो इसका कॉर्नर है यहाँ पर निब को इस तरीके से रखना है और इसके नीचे इस तरीके से छोड़ देंगे। इसी तरीके से निब की डायरेक्शंस को नोटिस करना है और उसी डायरेक्शन को यूज़ करके पैटर्न्स को क्रिएट करना है और स्ट्रोक्स को बनाना है। निब को फिर से हम साइड में थोड़ा सा इस ब्लॉक के जो ये कॉर्नर है यहाँ पर इस तरीके से पुट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए, इसी ब्लॉक के अंदर, बाहर नहीं जाना चाहिए इस ब्लॉक से। फिर दूसरे वाले ब्लॉक में दूसरा स्ट्रोक रखेंगे इसके साइड के कॉर्नर में, यहाँ इंक ख़त्म है तो इंक को डिप करो और इस तरीके से पैटर्न को आगे तक हम इस स्ट्रोक को बनाएंगे।